नंदिनी कौन है तुम्हारे साथ? नंदिनी कौन है तुम्हारे साथ? बताओ नंदिनी कौन है तुम्हारे साथ? भैया ये हमारी कॉलेज की सहेली है मुक्ति। तुमको हमने कहीं देखा है। भैया ये हमारे कॉलेज के टाइम की सहेली है, हो सकता है आपने इसको तब देखा हो। इनके पति एक साल के लिए अमेरिका गए हैं, हमारी तरह ये भी माँ बनने वाली है। और इस बीच ही इनका वो घर भी इनसे छिन गया जहाँ ये रह रही थी। हमने सोचा जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं होता ये यहीं रह लेंगी। नहीं मैं होटल में ही रह लूंगी, मेरी वजह से ये सारे लोग परेशान हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे इसमें परेशानी कैसी, उल्टा होटल में रहकर तुम और परेशान हो जाओगी और वहाँ का बुरा खाना खाकर तुम्हारे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। हाँ बेटा जब घर मौजूद है तो होटल में रहने की क्या जरूरत है। फातिमा अभी हमारे दोस्त ने इनका रहने का इंतजाम कर दिया, अच्छे लोग हैं और वो उनको जानता है तो ये वहां रह सकती हैं। आप परेशान मत होइए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं बेटा ये नंदिनी की सहेली है तो वो इसी घर में रुक सकती है। हाँ मुक्ति तुम हमारे साथ ही रहोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, नंदिनी अगर ये तुम्हारी सहेली है तो हमारी बहन हुई ना, और हमारी बहन हमसे दूर काहे रहेगी हैं? इसे अपने ही घर समझो बेटा। नंदिनी तुम्हारी सहेली बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, प्यारी सी। मुक्ति मैं हूं गुंजन, नंदिनी की बचपन की सहेली, तो इस नाते से तुम भी मेरी सहेली हुई है ना। तो अब तीनों सहेलियां एक ही घर में एक साथ रहेंगी, ठीक है? जान ना पहचान और फौरन अपना मेहमान बना लिया इसे, पता नहीं इस घर का क्या होगा। जरूर इसके पति ने इसे किसी बात पर छोड़ दिया होगा, नहीं तो कोई भी अपनी बीवी को जब वो माँ बनने वाली हो इस तरह अकेला छोड़कर साल भर के लिए विदेश चला जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आज से तुम्हारा भी घर है। चलो तुम्हें घर के सब लोगों से मिलवाते हैं। ये है इस घर की माँ फातिमा भी। नमस्ते। और ये है हमारी प्यारी नीलिमा भाभी, जो है तो हमारी भाभी लेकिन जरूरत पड़ने पर माँ और एक दोस्त भी बन जाती है। और गुंजन से तुम नीचे मिली हो ना? जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर कि इतने अच्छे लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मेरी उसी किस्मत ने एक दिन मुझे अपने माँ बाप से दूर करके मुझे अनाथ कर दिया था, लेकिन आज
आप सबसे मिलवा दिया। अरे बेटा, अपने आप को अनाथ क्यों कहती हो? मुक्ति, अब हम सब भी तो तुम्हारा परिवार ही है ना? और जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो कभी अनाथ हो सकता है क्या? अब बेटा तुम आराम करो, चले दुल्हन, हम अभी आते हैं। नंदिनी जी, उस दिन आपने मेरे भैया की जान बचा ली और आज इतना बड़ा परिवार दे दिया, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुक्ति, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो अपना ख्याल रखना, हमारे लिए यही बहुत है। नंदिनी, मैं भी कह रहा हूँ ये सब ठीक नहीं, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक न एक दिन भाई राजा को सच्चाई का पता चल जाएगा और मुक्ति का हमारे घर में रहना ठीक नहीं है। प्रिंस, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंदिनी जी, प्रिंस जी सही कह रहे हैं, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, और अगर आपके भैया को सब कुछ पता चल गया तो। मुक्ति, तुम्हें याद है ना राजा भैया ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारी बहन की हर सहेली हमारी बहन की तरह ही है और कोई भी बहन किसी भी भाई पर बोझ नहीं होती। कम से कम हमारे राजा भैया के घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तुम जब तक चाहो इस घर को अपना घर समझ के रह सकती हो। यही है जो अपुन के रास्ते का कांटा बन सकता है, इसको कैसे भी करके पटा डाल मुक्ति, बस फिर तो ऐश कैश सब तेरे। क्या नंदिनी जी, मुझे लगता है आपके पति को मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं लगता और मेरी वजह से आप दोनों के बीच अनबन भी तो हो सकती है। नहीं मुक्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंस सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन उनका ये डर बहुत जल्दी चला जाएगा। अपुन रहने देगी तब ना, आज तेरा मर्द अपुन से दूर भाग रहला है, लेकिन देखना एक दिन यही तेरा मर्द तेरे को अपुन का पल्लू पकड़कर चलता नजर नहीं आया ना, तो अपुन का नाम भी मुक्ति नहीं। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम तुम्हारी दवाई और तुम्हारे खाने का इंतजाम करते हैं। जी चलो, कम से कम इस घर का एक कमरा तो अपुन का हो गया। अब देखना घर वालों, कैसे मैं धीरे धीरे इस घर को भी अपना बना लेती है। यही छोटा है गलत औरत को घर में घुसाने का अंजाम। चिंता मत कीजिए प्रिंस, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। नहीं नंदिनी, अब और कुछ नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अरे आप अपनी जिंदगी में एक तूफान को बुलावा दे रही हैं और मैं उस तूफान की तबाही देख सकता हूँ, पर आपको समझ क्यों नहीं आता कि। प्रिंस आप बात को नहीं समझ रहे, भगवान जो कुछ भी कर रहे हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहे। आप खुद सोचिए, अगर मुक्ति हमारे साथ नहीं होती तो क्या हम उससे रोज मिलने जा पाते? इस बहाने हम मुक्ति की देखभाल खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। फिर अगर हम माँ नहीं बन सकते, कम से कम मुक्ति को माँ बनता हुआ देखकर उसका सुख तो उठा सकते हैं। और फिर प्रिंस, वो आपका बच्चा है, हम उसे अपनी नजरों से दूर कैसे भेज सकते हैं? ठीक है, आप कर लीजिए अपनी मनमानी, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में आप दुख भर रही है और कुछ नहीं। आप निश्चिंत रहिए प्रिंस, इस बार सब ठीक होगा, हमारा मन कहता है। आपने कभी ये सोचा है कि जिस दिन ये बात भाई राजा को पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या हम उनसे नजरें मिला पाएंगे? सोचा है कभी आप?
कुछ भगवान पर छोड़ दिया है प्रिंस। अगर ये चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं वो हमारे विश्वास का साथ देते हैं या नहीं। कितना विश्वास किया था हमने तुम पर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमको इस तरह से बीच मझधार में छोड़ दोगे। अरे तुम समझते काहे नहीं हो बेटा कि हमारे पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अब आपके बहकावे में और नहीं आने वाला हूँ। तो मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि मेरी असली खुशी मेरी बीवी और मेरे बच्चे की खुशी में है। तो गलत काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे आप? खुश तो तब रहेंगे जब चिंता बचेंगे बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेंगे। फिर इस बार काम पहले से ज्यादा आसान है, बाहर से माल लाके इस कर्मा कहीं छिपाना है। लेकिन बाबा ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक काम है, और अगर भाई राजा को ये बात पता चल गई तो पुलिस से पहले वो मुझे जान से मार डालेंगे। अगर पुलिस को वो माल घर से मिला तो घर की क्या इज्जत रह जाएगी, सबको जेल जाना पड़ेगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मुझसे ये नहीं होगा। बस बेटा बस इस बार है? इस बार अपने बाबा की इज्जत बचा। मुक्ति, मुक्ति कौन है बे यार, सोने दे। मुक्ति अभी तक नींद में हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? नंदनी जी वो थकान की वजह से बस आंख लग गई। ये देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। हम तुम्हारे लिए एक और चीज लाए हैं, वो चीज तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की हर संकट से रक्षा करेगी। अभी पहले खाना दे, फिर जो भी देने का है दे देना मेरी माँ। इसे कभी भी मत खोलना, ये तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। और हाँ, इसे भाभी से और बाकी घर के लोगों से छिपा के रखना, भाभी ने हमें दिया था। आप फिक्र मत कीजिए, चलो आप खाना खा लो। आराम कर लो जी।
मां, आपके आशीर्वाद से ये घर में किसी भी चीज की कोनो कमी नहीं रही। अगर कमी है तो सिर्फ आपकी। जानती हो नंदिनी, अम्मा हमेशा हमसे कहती थी कि वो अपने नाती पोतों को देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाएंगी। शायद ये बात भगवान को मंजूर नहीं थी। भैया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अम्मा हमारे साथ नहीं है? ये अम्मा का ही आशीर्वाद है कि हमारे घर में इतनी खुशियां हैं। अम्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हाँ नंदिनी, अम्मा हमेशा हमारे दिल में रहेगी। अच्छा ही बता, वो तेरी सहेली कैसी है? वो ठीक है भैया। राजा भैया, आप नहीं जानते आपने उसे इस घर में रहने की इजाजत देकर उसके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। अरे हम इजाजत देने वाले कौन होते हैं? ये जितना हमारा घर है उतना ही तेरा घर है। और सबसे बड़ी बात, हम जो कुछ भी करें तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, और तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। अंबर, आना। जानती है नंदिनी, हमारा अंबर बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया। अब देख लेना, बहुत ही जल्द हम काम छोड़कर घर में रहने वाले हैं और अपने भांजे भतीजे और बेटे के साथ खेलेंगे और सारा काम अंबर संभालेगा। हाँ, हमें अपने अंबर पर बहुत गर्व है। अम्मा के सामने हम एक बार फिर अपना वचन दोहराते हैं। चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी तकलीफ काहे नहीं आ जाए, लेकिन हम अपने रिश्ते की पवित्रता पर कभी आंच नहीं आने देंगे, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। चाहे कुछ भी काहे नहीं हो जाए, लेकिन हम अपने बंधन की पवित्रता को इसी तरह अटूट और मजबूत रखेंगे। विश्वास पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। हमने भी कभी आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहा था भैया, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया था। वादा करते हैं एक दिन आपको सब कुछ बताकर आपसे माफी जरूर मांगेंगे। उम्मीद है आप हमें समझकर माफ कर देंगे भैया।